दोस्तों, बायोग्रेन चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केज कल्चर के बारे में, जो लास्ट वीडियो से हम लोग लिंक पे नहीं जुड़ पाए थे। एंड आज वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज केज कल्चर, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंड केज कल्चर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है सभी के बैचेस के लिए, ओके। दैट इज फिशरीज में लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसके लिए केज कल्चर वाला क्वेश्चन आता है, जहां पर केज कल्चर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से है, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये कवर अप करना होता है, ओके। सो चलिए केज कल्चर को जानते हैं कि केज कल्चर क्या होता है। सो केज कल्चर, इट इज एन एनक्लोजर। एनक्लोजर कैसा है, ये एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है, एंड दिस एनक्लोज स्ट्रक्चर विथ बॉटम एंड साइड्स, नीचे से एज वेल एज ऊपर से पूरी क्या होती है इसमें, नेटिंग होती है। पूरी क्या होती है इसमें, नेटिंग होती है, या तो ये बैम्बू स्टिक के साथ ज्वाइन किया जाता है ताकि इनमें से फिशेस बाहर ना निकल सके। वेदर इट मे बी फ्लोटिंग एट द सर्फेस और टोटली सबमर्ज्ड, ठीक है। आइदर ये सबमर्ज्ड कंडीशन में रह सकते हैं, आइदर ये क्या हो सकते हैं, फ्लोटिंग नेचर में भी हो सकते हैं। सो हैवीनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज्यादा हैवी होगा तो वो सीधा पानी के अंदर चला जाएगा, बट इनकेस अगर मान लीजिए लाइट वेटेड होगा तो वो फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि केज कल्चर में क्या क्या कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला प्रेजेंट होता है कॉम्पोनेंट आई, जो कि रस्सी की तरह होता है जिसको पकड़ना होता है, वाइल हेड और रोप, यहां से रोप के इसकी ज्वाइनिंग की जाती है, एंड इट इज हैंगिंग लाइन, जो कि हैंगिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर नेट है, जो कि नेट की पूरी फ्लोरिंग की जाती है फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स, ठीक। वाइल इसके अलावा लेंथ इनटू ब्रेथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 5.5 मीटर का जो रहता है इनका लेंथ होता है, एंड वाइल साइड एजेस जो होते हैं वो 2.5 के हैं, ठीक है। सो ये रहा केज कल्चर, जहां पे हम लोग केज में कल्चरिंग करते हैं फिशेस की। नाउ वी हैव टू डिस्कस विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस केज कल्चर। एडवांटेजेस क्या क्या है चलिए देखते हैं। सो लार्ज वाटर बॉडीज कुड बी यूटिलाइज्ड बेटर फॉर फिश कल्चर। फिश कल्चर के लिए लार्ज वाटर बॉडीज जो है इनको यूज किया जा सकता है। द फ्लोइंग वाटर कुड बी यूटिलाइज्ड, फ्लोइंग वाटर को यूटिलाइज किया जा सकता है। फ्री एक्सचेंज ऑफ वाटर इज पॉसिबल इन केजेस, देन इट रिक्वायर्स अ स्मॉल बजट, इनको बजट भी बहुत कम लगता है। ऑटो डिप्लीशन ऑफ वाटर नॉट ऑकर्स, ऑटो डिप्लीशन इनकेस में नहीं होता है। द रीजन इज कि ऑटो डिप्लीशन मतलब क्या हो गया कि ओशंस बेड जो रहेंगे ये काम करेंगे। देन स्टॉक फिशेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल एंड ईजी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिशेस कैन बी डन, डीकम्पोजिशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट डू नॉट अराइज इन केज कल्चर। सो डिजीज ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी इजी इन केज कल्चर। लाइक वाइज देन वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ केज कल्चर, वॉट आर द डिसएडवांटेजेस। सो हैवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, दैट मीन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाएंगे अगर हम लोग केज कल्चर में फूड सप्लाई करते हैं तो। इन स्लो फ्लोइंग वाटर एंड इन स्टैंडिंग वाटर, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फूड मे ऑकर, अगर स्टैंडिंग वाटर रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। नेचुरल फूड फ्लो अलॉन्ग विथ वाटर करेंट, हेंस इट विल नॉट बी अवेलेबल टू स्टॉक फिशेस, स्टॉक फिशेस के लिए चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी। Strong wind, flood damage the cages by imbalancing the cage. Heavy mortality of fishes occurs due to damage and imbalancing cages. It requires continuous watch and skillful handling. Stock is vulnerable to external water quality problems. Example, algal bloom and low oxygen. ये बहुत बड़ा लेके चलते हैं जहां पर disadvantages आ जाते हैं। Then stock is more vulnerable to fish eating predators such as water rats and birds. Growth rates are significantly influenced by water temperature. So water temperature जो रहेंगे इनमें ये सारे पार्ट जो रहेंगे वो देखने के लिए मिलते हैं। Now cages जो है, cages आपके पास में अलग अलग टाइप के हैं, that is submersible cages.
सबमर्सिबल केजेस मतलब जो एक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, फोटो आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा। देन फ्लोटिंग केज कैसा दिखता है, फिक्स्ड केजेस क्या होते हैं, फ्लोटिंग केज कैसा होता है, सबमर्स्ड केज कैसे होते हैं, ये सारा डायग्राम आपको मिलेगा। नाउ लोकेशन यूजुअली कैसा होना चाहिए किसी भी एक केज का, सो वीड फ्री शैलो वाटर होनी चाहिए, वहां पे वीड्स जो अनवांटेड वीड्स होते हैं इनका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। देन फ्लोइंग वाटर इज नेसेसरी विथ एडिक्वेट सर्कुलेशन ऑफ वाटर, एडिक्वेट सर्कुलेशन होना चाहिए वाटर का। द विंड एंड वेव एक्शन शुड बी मॉडरेट, द वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड वीड्स। ऐसी कंडीशन में या ऐसे लोकेशन पे ही हमको केज कल्चर रखना चाहिए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केजेस जो है वो चार टाइप के हैं, दैट इज फिक्स्ड, फ्लोटिंग, सबमर्सिबल एंड सबमर्ज केजेस। ओके, नाउ केज के लिए मटेरियल क्या क्या यूज किया जाता है, सो बैम्बू, फ्लोट्स, नट एंड बोल्ट्स, देन उसके बाद में सिंकर्स, एंकर, नेटलॉन्स, इनको यूज किया जाता है एंड फैब्रिकेशन के लिए इनको, केजेस के फैब्रिकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ केज जो रहेगा वो आपको वीडियो के एंड में, दैट इज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद में आपको केज कल्चर इंडिया में कहाँ कहाँ होता है ये देखना है। सो यू हैव टू राइट दिस इन योर आंसर। सो केज कल्चर हैज प्रूव टू बी अ बून फॉर क्लेमिंग एक्सटेंसिव वेस्ट वाटर दैट इज स्वैम्प्स एंड द डिक्लेट वाटर ऑफ असम, बिहार एंड कर्नाटका। एयर ब्रीथिंग फिशेस, ठीक है, कौन सी फिशेस है जो एयर ब्रीथिंग है, दैट इज क्लेरियस, हेटेरोप्रेस्टस, देन ओफियोसिफालस एंड एनाबास आर रेस्पॉन्डिंग टू द केज कल्चर प्रैक्टिस। केजेस आर मेड अप ऑफ स्प्लिट बैम्बू मैट्स सपोर्टेड ऑन फ्रेम्स मेजरिंग अबाउट 2 x 1 x 1 meter केजेस परमिट इजी हार्वेस्टिंग ऑफ रेयर फिशेस। ओके, नाउ स्पीशीज कल्चर कौन से किए जाते हैं, सो स्पीशीज कल्चरिंग में आपके पास आ जाता है बार्बस स्पीशीज, दैट इज कैम्बोडिया, कैटफिशेस मिलेंगी आपको, देन उसके बाद में क्ल्यूपाइड्स मिलेंगे, दैट इज येलो टेल और जापानीज एम्बर्ज। ओके, सो ये वाले फिशेस हैं आपके पास में जो देखने के लिए मिलेंगे, वाइल कुछ अदर फिशेस भी हैं हमारे पास में, दैट इज ओफियोसिफालस स्पीशीज एंड एनाबस स्पीशीज एज कैम्बोडिया, ये देखने के लिए मिलेगा, टिलापिया भी मिल सकता है। ओके, सो इन सारे फिशेस को हम लोग केज कल्चर में कल्चर करते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड केज कल्चर। कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन जो रहेगा वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिया है आपके लिए। एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जो कि थर्ड चैप्टर रहेगा। यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाता है। कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज रहते हैं तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, एंड आपके रिप्लाई और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।